मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोन पोजीशन के बारे में। प्रोन पोजीशन बेसिकली होता क्या है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको बढ़ाने में काम करेगा। अब ये पोजीशन किस तरीके से करना, बेसिकली जनरली हम जब सोते हैं तो सीधे तरीके से सोते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बैक साइड का जो फेफड़े होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन हम जब सोते हैं तो वो दब जाते हैं और हम सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, ऑक्सीजन का लेवल पूरी तरीके से नहीं हो पाता। प्रोन पोजीशन क्या है, आपको लेटना किस तरीके से और किस तरीके से सांस लेनी है, किस तरीके से छोड़ना, पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेशन में करके दिखाऊंगा। चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको 3 तकियों की जरूरत पड़ेगी। एक तकिया आपको यहाँ पे हेड के नीचे रखना है, दूसरा तकिया आपको पेट के नीचे की तरफ रखना है, और उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा तकिया होगा वो आपके पैरों के नीचे होगा। और पोजिशन किस तरीके से होगी, क्या पोजिशन होगी, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको लेटना है। लेटना किस तरीके से है, सिंपली इस तरीके से आपको लेटना है। जो बीच वाला तकिया है वो कोशिश कीजिएगा आपके पेट के बिल्कुल नीचे की तरफ में रहे, पेट के बिल्कुल बीच में रहे। और तीसरा वाला तकिया है जो आपके पैरों के नीचे, कोशिश कीजिएगा वो बिल्कुल पैरों के नीचे ही आए, कोशिश कीजिएगा कि वो पैरों के नीचे आए। और तीसरा तकिया आपके पेट के नीचे, और तीसरा तकिया जो है वो आपके हेड यानी सर के नीचे। और आपके जो पोजीशन होगी वो हाथों की पोजीशन होगी, वो स्विमिंग पोजीशन। स्विमिंग पोजीशन का मतलब होता है एक हाथ आपका आगे एक हाथ आपका पीछे, चाहे थोड़ी देर के लिए ये वाला हाथ होगा और थोड़ी देर के लिए ये वाला हाथ होगा। तो इस प्रोसेस को जब आप करेंगे तो आपको सांस एक बार छोड़ना है और लंबी सांस लेना है, फिर छोड़ना है, फिर लंबी सांस लेना, लेते रहना है आपको, कुछ भी हिलना नहीं है। और कोशिश करना है इस प्रोसेस को 40 मिनट तक करते रहें। और इस प्रोसेस को आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे बाद में इसे रिपीट कर सकते हैं। आप ये प्रोसेस करेंगे तो जरूर से आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो जरूर से बढ़ेगा। मेरे हिसाब से ये अच्छा प्रोसेस है हमें घर बैठे हुए इस कोरोना के टाइम पे, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग जरूर से घर पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का लेवल किस तरीके से हो सकता है, वो भी आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल 94 से अबव है तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से और 90 के बीच में है तो आप ये प्रोसेस घर पे करिए, कोई टेंशन नहीं है। कुछ दिन करोगे, 5-7 दिन के अंदर जरूर से इंप्रूवमेंट होगा। एक ऑक्सीजन के नापने के लिए आप ऑक्सीमीटर आता है, वो आप जरूर से परचेज कर लीजिए किसी भी डॉक्टर से, या आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहां से भी इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से लो है तो बॉस आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, चाहिए डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट। समय आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात ये कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद करोगे फायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। दूसरा, आप जो प्रोनिंग की जो पोजीशन है वो 40 मिनट तक ही सेम रखिएगा, इससे ज्यादा सेम मत रखिएगा। आप एक साइड में करो चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, वापस से खड़े हो सकते हैं। कंटिन्यूसली 40 मिनट मैक्सिमम कीजिएगा, इससे ज्यादा मत कीजिएगा। और सांस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जितना आपका कैपेसिटी उतना ही करने की कोशिश कीजिएगा, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं 30 सेकंड रोक सकता हूँ लेकिन मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ 40 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, जितना पॉसिबल हो उतना ही कीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और दूसरा, अगर घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आपको ये बिल्कुल भी ट्राई करने नहीं देना, क्योंकि अगर वो ट्राई करेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो छोटा सा मैंने प्रोसेस बताया आप जरूर से घर पे करेंगे तो फायदा मिलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलता है नई वीडियो में। जय हिंद।